क्या हुआ? पुनः थाने में देर तो नहीं करती? लगता है निकाह की खुशी में सब कुछ भूल गई हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुमने मेरे भाई को उल्लू बना के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से हम सब बहुत परेशान। ना तुम्हारा मनहूस साया मेरे भाई पे पड़ता और ना वो दर बदर भागता। और अच्छा ही वो मुल्क छोड़कर नहीं गया, वरना तुम्हें तो चैन की नींद आ जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितना उल्लू तुमने मेरे भाई को बनाया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। तुम जैसे आस्तीन के हिसाब से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और रही बात तुम्हारे भाई की, मोहब्बत तो मुझे उससे कभी थी नहीं। दिल में जो हमदर्दी थी ये सब करके उसने वो भी खत्म कर दी। गलत साबित कर दिया कि मैं उसके बारे में जो भी सोचती थी वो सब गलत था। इंजॉय कर लो, मैं देखती हूँ ये खुशकिस्मती तुम्हारा कितना साथ दे। तुम्हें क्या लगता है, तुम माँ बेटी की चलाकियों से शहरोज तुम्हारा हो जाएगा? निकाह तो हो ही गया, कहो तो निकाह के छुआरे भिजवा दूं और फिर रुखसती के लड्डू भी भिजवा दूंगी। यकीन आ जाएगा तुम्हें? ये इतराहट ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और मैं मुंह मीठा तब करूंगी जब शहरोज तुम्हें छोड़ के जाएगा। लगता है शहरोज के घास ना डालने पे नजूमी बन गई हो। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे इन नजूमियों पे कोई यकीन नहीं है। तुम्हारा घमंड मैं तोड़ के रहूंगी, तुम्हें शहरोज से अलग करके रहूंगी। मेरी बात याद रखना तुम। जितना